आगे से शक्ल दिखाती हूँ भाई। अरे इट्स अलाइव, इट्स अलाइव भाई, ये मच्छी मार्केट है कोंगो की जनाब। कीचड़ है
तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन भाई पैरों का। भाई रास्ता बहुत गंदा है यहाँ पे, सबसे ज्यादा तो भाई यार यहाँ पे कोंगो रिवर की स्पेशल फिश है। हाँ भाई मुको, हाँ भाई मुको। जोनस, फिश नेम? फिश नेम इट्स कॉल्ड ज़ोम्बो। ज़ोम्बो? ज़ोम्बो। ओके। इन लोकल लैंग्वेज। ओके। एंड यार इसको भाई सिर्फ आग में जला के बनाया जाता है, कोई तेल वगैरह कुछ नहीं यूज करते। तो ये भाई कोंगो की फिश ट्रेडिशनल, एंड सिर्फ आग में बनाया भाई इसको, ओनली फायर, बर्न इट इन फायर। Jonas, no oil, nothing. No oil, nothing. They just put it on the top of the fire, and it will get this state. And how many days good? To cook, you can cook it. No, how many days can keep it? Ah, okay, you can keep it even. It was a complete time difference. Please go go. By now, even 1 year. 1 year. No problem. One year, okay. No problem. Wow, long time. Okay. Wire, long time. Come on. Oh, bye. What is that? Can I get another one? भाई अब हम कोंगो रिवर के पास में आ रखे हैं, फिश मार्केट का एरिया उस पार्ट का। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट यार 500 से ज़्यादा स्मॉल स्मॉल दुकानें लगा रखी हैं इन्होंने, ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा है पक्का। बहुत भीड़ है भाई। और ये जोनस की आंटी हैं, ये यहाँ पे मच्छी बेचते हैं, तो ये हम उनके दुकान पर आ रखे हैं। तो भाई ये है लाइफ इन कोंगो। नो नजर आ विजिटर मगा आ दे तेरा टेंशन ली थी। हां इसमें ये मोको ये मोको ए कांगाई मोको या वा बेओ कम सलाते आ यांगवाने ओ कांगाई मोको ये पर होते आ तो मिलेंगे। डको ये नहीं अंदर से सुदा तो भाई यार जो मच्छी मार्केट है आपको बताते हैं कि यहाँ पे मच्छी कहाँ से आती है। सो वेयर दे ब्रिंग फिश फ्रॉम है? From the river of like Equator. Equator area. Yeah. Okay. And this one is called Mbongo. Mbongo. That's the tilapia. 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 Okay. Tilapia. Do you know tilapia? Yeah, I have heard the name. Yeah. But I never ate it. Omboto. So, brother, this fish is order. Omboto. This one is Omboto. Okay. Good. Mama, all from Equator. Oh, you know, so you're Equator. Oh. ओके ओके। तो भाई यार ट्रांसपोर्ट है इक्वेटोर का, या तो फ्लाइट या तो बोट से रिवर में। रिवर में जब आप जाते हो तो 2 हफ्ते लगते हैं, 2 वीक्स हैं। मामा हाउ मच टाइम टू गो? Combien de temps ils ont pour nous quitter Équateur? Autant de temps mission. Pas 2 semaines. Des semaines parce qu'il y a pas mais deux mois, deux mois, trois mois. La tu non. Non, pour y a transport. Eh ben 2 semaines. 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks or 1 week. ओके ओके। तो भाई रिवर की कंडीशन के हिसाब से 2 हफ्ते लगते हैं बोट में उस एरिया में जाने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट भाई इनका बोट है अभी भी। तो भाई यार फिश मार्केट से वापस आ गए थे हम, एंड अभी जोनस अपनी जॉब की तरफ गए हैं। तो पहली बात तो यार जोनस का बहुत बहुत शुक्रिया। बॉर्डर पे जब मैं थी तब मेरे से वीज़ा के बारे में पूछने से लेके अभी तक बहुत मदद करी है जोनस ने, तो उनका सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत। और फिश मार्केट की बात रही तो यार सही नज़ारे थे। कोंगो के जो लोग हैं उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला, बहुत हेल्पफुल थे, हंस रहे थे, प्यार से बात कर रहे थे। एंड बस एक दिक्कत थी कैमरा की, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है कि यहाँ पे लोगों को कैमरा नहीं पसंद। और होता है यार जो ऐसी कंट्रीज़ होती हैं ना, और जो थोड़े सेंसिटिव एरिया होते हैं वहाँ पर लोगों को कैमरा नहीं पसंद होता, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारी वीडियोज़ बनाते हैं और उसके बाद हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, और फिर रिपोर्टर्स भी आते हैं, वो भी वीडियो बनाते हैं, फिर दिखाते हैं कोंगो में भूखमरी है, ये है वो है, कोई मदद तो करता नहीं बट अपना काम करके निकल जाते हैं। तो रहता है ऐसा, बट इसका मुझे कोई बुरा नहीं लगा, कैमरा के लिए एक दो बार दिक्कत हुई। बट अगर आपके पास कैमरा नहीं है और आप ऐसे बाहर जा रहे हो तो कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं थी। फिश मार्केट एरिया में सब बहुत प्यार से बात कर रहे थे, तो
तो एक तो ये बात रही एंड ये वीडियो भाई ख़त्म करते हैं। आज हम घूमे फिश मार्केट की तरफ, कल भी हम घूमे थे लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी कल क्योंकि रात हो गई थी। और भाई यहाँ मार्केट के नज़ारे ये हैं। किनशासा में भाई बहुत ट्रैफिक है, बहुत आबादी है, बहुत लोग रहते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, इक्वेटर वाले रीजन से लोग यहाँ तक आते हैं, इक्वाटोर या इक्वेटर कुछ ऐसा नाम है। तो सही भाई ये वीडियो ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना एंड ये वीडियो यार शेयर ज़रूर करना। आई थिंक आप लोग पहली बार इतना एक्सट्रीमली किनशासा को देख रहे हैं पूरी प्रॉपर लोकल मार्केट की, तो ज़रूर भाई शेयर करना। और ये कमरा यार मस्त है, $40 में, सबब एरिया है बट सही। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सेफ नहीं है एरिया, बट दो दिन रहना मुझे, आई थिंक चल जाएगा काम, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। तो गजब भाई।